गाड़ी गर्म है तो ये वार्म अप भी आएगी तो फिर इससे रेफ्रिजरेटर में लो। अभी आपको थोड़ा वेट करना। इसका जहाँ से गाड़ी ली थी ना वहीं से गाड़ी चलने में भारी हो गई थी। आपकी भारी हो गई थी? बिल्कुल भारी हो गई थी। गाड़ी में पिकअप खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया था। जहाँ से आपने ये सेटिंग कराई है, जहाँ से भी कराई होगी, हाँ, उसकी एडजस्टमेंट सही नहीं हुई? नहीं हुई थी। हाँ, इंशाल्लाह अभी सही चल रही है। सही है, मुझे यही तो प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि बहुत घुटी भी चल रही थी और मतलब इसमें जान नहीं थी। ये क्या चेक कर रहे हैं हमारे? ये इंजन का हम प्रेशर चेक कर रहे हैं कि इसके हमें पता चलता है कि इंजन में प्रेशर कितना है।
और ये कितना यानी कि इसमें जान है, क्या इसका प्रेशर बन रहा है, ये हम वो चीज़ चेक कर रहे हैं। सही, इंजन का प्रेशर 190 होना चाहिए। अच्छा, अब मोटरसाइकिल की जो कार्बोरेटर अमूमन 70 में खुलता है, तो इसमें कार्बोरेटर वगैरह नहीं खुलता क्या? नहीं सर, इसमें कार्बोरेटर की जरूरत नहीं होती, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं करे इसको खोलना नहीं चाहिए। अरे वरुण भाई, ये ऊपर स्क्रीन में ये क्या हो रहा है? जी जी, हम मिक्सर को सेट कर रहे हैं, ये कंप्यूटराइज होता है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है गाड़ी में? हमें जो कंपनी का सेटिंग होती है उसके बिल्कुल मुताबिक होता है। अब आपका एवरेज भी अच्छा होगा, गाड़ी इंशाल्लाह खुल के भी जाए। सही है। और ये कितना होना चाहिए जो इस पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, 1200 के करीब दिखा रहा है? नहीं, 1200 नहीं, हमारे दो नंबर करते होते हैं, ये नीचे और ऊपर, इन दोनों को मैच करना होता है। अच्छा, तो ये जो है ना, एक आएगा ये मैच हो जाएगा, 80 पर हो गया ना, 70-80। जी 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 जी, इससे दोनों बराबर हो गए। सही, ये हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसका चेक कर रहे होते हैं कि गाड़ी एडवांस हो रही है या नहीं हो रही, इसका VI काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इसलिए चेक कर रहे हैं। अच्छा, इस मशीन के जरिए? जी जी, ये देखे ना, ये इसके अंदर ये हमें ये तार किसका बता रहा है ये इनके, ये एडवांस हो रहा है, ये देखें। इस मशीन की ये खासियत है कि ये आँख से नजर आने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, 11,000 वॉट को फ्लैश करके दे रहा होता है तो इस मशीन ने आपको अभी क्या बताया गाड़ी के बारे में? गाड़ी के बारे में ये बताया कि एडवांस हो रही है, आपका CDI यूनिट वगैरह सही है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम कर रहा है। सही। स्प्रे के जरिए हम यहाँ से इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सही है, ये सर आता है यहाँ से इम्प्रूव करते हैं। तो ये देखो, ये जो आपको देखा स्मोक बन के निकला है, ये जी जी, सारा कचरा इसका साफ हो गया, ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। दोस्तों, हुज़ैफ़ा ऑटोज़ से मेरा काम कराने का फ़ैसला दुरुस्त रहा। मोटरसाइकिल में एक नई जान सी आ गई है। पहले मोटरसाइकिल खुलकर चल नहीं रही थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। वारिस भाई ने मोटरसाइकिल का काम बड़ा अच्छा और तसल्ली बख्श किया है। मेरा यहाँ आने का तजुर्बा इंतहाई शानदार रहा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी मोटरसाइकिलों की ट्यूनिंग हुज़ैफ़ा ऑटोज़ से करवाएँ। आजकल हुज़ैफ़ा ऑटोज़ पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर सेल भी लगी हुई है और मुख्तलिफ डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल के कोई भी पार्ट्स लेना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा हुज़ैफ़ा ऑटोज़ ज़रूर आएँ, वहाँ पे आपको जो भी पार्ट्स है वो मुनासिब और डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा।